Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. बहरिया टाउन जा 460 अरब रुपया वफाक सिंध सरकार में केंखे भी न मिलिया। सुप्रीम कोर्ट रकम तरक्याती मनसूबन ते खर्च करने लाए 11 रुकनी कमीशन जोड़े छी। वफाक सिंध सरकार की दरख्वास्त महफूज कल फैसलो जारी। अटॉर्नी जनरल की कमीशन जोड़न वारी इस्तदा मंजूर। अदालत पैं फैसले में चया है त कमीशन जो सरबराह सुप्रीम कोर्ट जो जज हों। सिंध के गवर्नर वे वजीर ज नुमाइंदा भी कमीशन में शामिल हों। अटॉर्नी जनरल एजी सिंध चीफ सेक्रेटरी सिंध के भी कमीशन में शामिल किया वो। स्टेट बैंक जो नुमाइंदो समाजी शख्सियतू भी शामिल होंदू। फैसले में चाहिए तो कमीशन सिंध में जरूरत मूजिब नवा तरक्याती मनसूबा शुरू की। पैं का जारी मनसूबन के बहरिया टाउन जहा पैसा खर्च न थी। कराची में रिटायर्ड कैप्टन सफदर खिलाफ केस और गिरफ्तारी का पोए पैदा थियल सूरतहाल से वजीर अला हाउस में अहम इजलास। वड़े वजीर मुराद अली शाह की सदारत इजलास दौरान सूबाई वजीर से गड आई जी सिंध मुश्ताक महर एडिशनल आई जी गुलाम मेमन बे शरीक। जरिए चवण है तो इजलास में रिटायर्ड कैप्टन सफदर के मामले से सलाह मशवर बाद हुकूमती मौकफ़ तैयार किया वो। पर वजीर मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए सूबाई हुकूमत के मौकफ़ का आगाह कह। मुल्क में दहशतगर्दी एक भेरों बीहर कर खड़ी रही है। सिक्योरिटी इदारा दहशतगर्दन के चिथण बदरा कौमी इंतकामी प्लान जो हिस्सों बणजी व्या। सिक्योरिटी इदारा इंतजामी सियासत के नजर थी व्या। अगूणे वफाकी वजीर अहसन इकबाल चाहिए तो इमरान खान की नालायकी से कौमी वकार कुर्बान थी रो है। संदस वजीर हर हर कौमी इदारन के पोया लिखी रहा है। कदें अदलिया तो कदें वरी फौज के आदो आंदो वो है। अगूणे वजीर आसिम शाहिद का कनबासी चाहिए है तो कराची में रिटायर्ड कैप्टन सफदर की जमानत थी वही। आई जी सिंध के जमानत केर दी आई जी कें अदालत में वही सके भी तो या न। मुल्क आई मुआशरो ये न थोड़ी सके जेत्रो जल्दी यो समझो वे तो बेहतर है। जिन इदारन के दहशतगर्दन से वेढ़ करनी हुई उनके सियासी जंग में लगाया वो है। लाहौर में मरियम नवाज ए संदस मुड़स रिटायर्ड कैप्टन सफदर ट्रैफिक में रंडक वेझण लाउड स्पीकर एक्ट की भनकड़ी जो केस दाखिल। शादरा थाने ते दाखिल केस में 2000 का वधीक लीगी अगवान ए कारकुनन के जवाबदार तौर नामजद किया वो। केस में लीगी अगवान मथा रियासती इदारन खिलाफ चिड़ डियारींदर तकरीरू करण जो इल्ज़ाम। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे दौरान कोरोना का बचाव लाए एसओपी से अमल न थियण ते जलसे की इंतजामिया खिलाफ केस दाखिल। सिविल लाइन थाने ते सरकार की मुदयत में दाखिल केस में नवाज लीग अगवान खुरम दस्तगीर सूधो 100 जणन के जवाबदार नामजद किया वो। केस में रोड ब्लॉक करण जा भी कलम शामिल। लाहौर की एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अदालती रिमांड से जेलू माने छोड़ो। नैब की जिस्मानी रिमांड वाली इस्तदारत बुधनी दौरान शहबाज शरीफ चाहिए तो मूँ नैब की अकूबत खाने में 85 दी घारिया जांच दौरान जे भी दस्तावेज घुरा वह उही छड़ा। नैब प्रोसिक्यूटर चो तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ जो हेल ताई 22 ई जिस्मानी रिमांड थो है। पहले आशियाना हाउसिंग केस में जिस्मानी रिमांड वरतो वो हो। शहबाज शरीफ जांच में को भी सहकार न कर रो है। उन इो भी न बुधा है तो परदे में फ्लैट्स लाए जो कर्ज वरतो वो कि वापस कर वे। बुधनी बाद नैब टीम शहबाज शरीफ के कोटलक पर जेल वी वही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपोजिशन की गिरफ्तारियों के फासिस्ट रवैयो करार दी छो। शहबाज शरीफ चाहिए तो इमरान खान जो रवैयो फासिस्ट वो है। धीरन और भेनरन सूदो औरतों से रवैये जहाँ कुछ अखलाकी कदर हूँ। मौजूदा हुकूमत में औरतों के हकन की पायमाली कई वही। इमरान खान सदा ही जातियात इंतकाम की सियासत कई है। हाँ भी अपोजिशन खिलाफ कार्रवाई जारी है।
कराची में रिटायर्ड कैप्टन सफदर खिलाफ़ केस जो फरियादी वकास पैंजे खिलाफ़ केसिस में जमानत लाए अदालत पहुंची वो सिंध हाईकोर्ट दहशतगर्दी हंगामे सरकारी कम में मुदाखलत वाले केस में जवाबदार वकास की उबूरी जमानत मंजूर कर वरती। जवाबदार वकास के 3000 रुपये का जमानती मुचलका जमा कराने का हुक्म। बुधने दौरान जवाबदार वकास संदस मामों एम पी अहली मादिल शेख पेश थे। अदालत तरफा जवाबदार वकास के 10 दिन अंदर लागापल अदालत से राबो करने की हिदायत। पुलिस जो चवण है तो जवाबदार वकास खिलाफ 25 अगस्त 2019 गुलशन मेमार के पुलिस मथा हमले जो केस दाखिल किया वो हो। वकास से पुलिस मोबाइल के नुकसान पहुँचाण एहलकार मथा पथराव और सरकारी कम में मुदाखलत जहाँ इल्ज़ाम हैं। नवाज लीग के नायब सदर मरियम नवाज है तो मूँ अगे हो तो अकुल बदरा ताकत जो इस्तेमाल कद तो पानी वायखा थी वो कावर सुठी शै ना। हजारे खामियन बावजूद मुल्क के नवाज शरीफ आसिफ जरदारी सदन बारन हवाले किए तो कर सके। हुकूमत के में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी है तो अपोजिशन वा बुधाइन तो इमरान खान के कथकाट वो एक मू भी उन्होंने वट है। पीटीएम की नाकामी इमरान खान का वधीक मुल्क की जरूरत है। वफाकी वजीर शिबली फराज पीटीएम से तनकीद कर सियासी बहरूपियन तरफा कुछ ढीह का जारी ड्रामे जो मकसद पैं करप्शन से परदो विझण है। अपोजिशन वन कौमी नाणे से धाड़ो हों उ कौमी डोहारी आन अपोजिशन वा बुधी छदीन इमरान खान कें भी दबाव में नहीं खाउन एक एक पाई जो हिसाब वरतो वो। पंजाब के सुलसमा वे वजीर की बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत से तनकीद। फयाजुल हसन चौहान है तो बिलावल भुट्टो पंजाब के वे वजीर से तनकीद कर अग सिंध से नजर विझे। कणक की खरीदारी टैक्स उगाड़ी और कोरोना खिलाफ़ वेड़ में नाकामी सिंध हुकूमत की नाहली से मोहर लगे छी है। रहल कसर कैप्टन सफदर खिलाफ़ केस में मुराद अली शाह के एतराफ़ पूरी कर छी। मुराद अली शाह मनो है तो सूबाई इंतजामिया और आईजी पुलिस से कंट्रोल न है। नवाज लीग अगर रिटायर्ड कैप्टन सफदर हर साल 18 अक्टूबर से मज़ार कायद वहीं मादर मिलत जहाँ नारा हणन जो ऐलान कर छोड़ो। रिटायर्ड कैप्टन सफदर है तो मज़ार कायद से मादर मिलत जिंदाबाद जहाँ नारा हया इन में कड़ी खराबी है। मादर मिलत नवाज शरीफ जो पैगाम खड़ी निकतो आया हाँ हर साल 18 अक्टूबर से मज़ार कायद वहीं मादर मिलत जिंदाबाद जहाँ नारा हणंदुस ये नालायक मुख्य मज़ार जो कड़ो अदब सेखारींदा। लाहौर में मीडिया से गाले नवाज लीग अगवान चो तो पुलिस के संस कमरे जा दरवाजा तोड़ने जो को भी हक न हो। FIR दाखिल कर पान कानून के घुर्बल है। सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सर से 8 दिन ओपीडीज जो बायकॉट। कराची हैदराबाद लाड़कानो सखर दादू नौशर फिरोज मटियारी मीरपुर खास सांगण बन शहर में सेहत खाते के मुलाजमन जो एहतजाज। परे परे का पंद कर पौतल मरीज अस्पतालों बहरा इलाज दवाओं लाए तड़पंदा रहा। सिंध सरकार सेहत खाते के मुलाजमन जो मौतल थल रिस्क अलाउंस बहाल कर छोड़ो। नोटिफिकेशन जारी ग्रीन हेल्थ अलायंस के अगवान डॉक्टर महबूब नुनारी है तो रिस्क अलाउंस की बहाली लाए नोटिफिकेशन जारी करण काफ़ी ना। पैं भी असें लॉलीपॉप दिनो वो सिंध हुकूमत से शाम जो बीहर गाली जैं बाद एहतजाज खत्म करण या न करण बाबत हतमी ऐलान किया वो। थुल में झेड़े दौरान नींगर सूधो बंजणा कतल थे वाक़े का छिकताण वाली सूरत हाल। नींगर और अताई डॉक्टर के कतल बाद केस में नामसद जवाबदार धुर के घर से हमला। घर के बाहू मचरल मानून तरफा कार्रवाई लाए पौतल पुलिस मथा पथरा एहलकार जान बचाए वापस हलिया व्या। थुल पुलिस की मदद लाए जैकबा के मुख्तलिफ थाना की पुलिस तलब। अताई डॉक्टर के वारसन तरफा 0 पॉइंट लाश रखी धरणो मचरल मानून तरफा टायरों के बाहू दई पुलिस खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन के चवण है तो पुलिस की नाहली के नतीजे में अदाई डॉक्टर अहमद नुनारी और बाटाड़ू नीगर सईद वडी कतल थिया। केस दाखिल थे बावजूद पुलिस जवाबदारन खिलाफ़ का भी कार्रवाई न कई। थुल पुलिस तरफा कतल केस में नामजद जवाबदार मोहम्मद बख्श और अजमत घुंजों के गिरफ्तार करने की दावा। घुंजा और नुनारी बिरादरी के बिंदुरन में बिजली की तार लगाने का झेड़े दौरान नीगर सूदो बंजणा मार्जी वा हुआ।
सखर पुलिस तरफा मुबैना मुकाबले में पौरियत निहाल लखण के हफ फ्राय करण वाली दावा कूड़ी करार। निहाल लखण के वारसन एहतजाज कंदे चयो आहे त साइट पुलिस निहाल लखण के टे ॾींहं अॻु केस बिना जवाज़ गिरफ़्तार कयो। 50,000 रुपया रिश्वत न मिलण ते केस गोलियूं हलायूं वयूं। निहाल गॾा गाॾो हलाए पेट गुज़र कंदो आहे। पुलिस निहाल सूदो ॿियनि ख़िलाफ़ कूड़ो केस दाख़िल कयो आहे। पोरियत निहाल लखण जे वारसन तरफ़ां पुलिस जे ज़िमेवार अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ जो मुतालबो। सखर पुलिस जे तर्जमान चयो आहे त निहाल लखण मुक़ाबले दौरान फायरिंग जे नतीजे में ज़ख़्मी थियो। वटाउंस पिस्तौल बि हथ कयो वियो आहे। जवाबदार ऐं संदसि वारिस कूड़ा इल्ज़ाम हणी रहिया आहिनि। चोहर जमाली भरिसां कराची वासी टे ॼणा सतावा में वीझण दौरान ॿुॾी विया। मक़ामी टोबनि मख़्तसर कार्रवाई कंदे ॿिनि ॼणनि खे बचाए वरितो। हिकु ॼणे जो लाश हथ। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त ॿुॾी वियल कराची वासी दरगाह शाह यकीक जी ज़ियारत लाइ आया हुआ। सतावा में वीझण दौरान उन पाणी में वञण सबबु ॿुॾी विया। टंडो मोहम्मद ख़ान में जाली कागज़नि ज़रिए ॿिनि सालनि ताईं पघार खणण वारे केस में ॿिनि पुलिस अहलकारनि जी ज़मानत मंज़ूरु। हैदराबाद जी एंटी करप्शन कोर्ट अहलकार शहज़ादो ऐं अमजद अली जी गिरफ़्तारी खां अॻु ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती। जवाबदारनि खे 50,000 रुपियनि जा ज़मानती मचलका जमा कराइण जो हुकुम। पुलिस जो चवणु आहे त टिनि पुलिस अहलकारनि ख़िलाफ़ 14 अक्टूबर ते जाली कागज़नि ज़रिए पघार खणण जो केस दाख़िल कयो वियो। अहलकार 2017 खां 2019 ताईं ग़ैर क़ानूनी तौरु पघार खणंदा रहिया। ऐं इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्मगलिंग ज़रिए पाकिस्तान आंदल आज़रबाईजान जी नारी खे संदसि ॾेह वापसि उमाणण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत तर्फ़ां नारी खे 6 नवंबर खां अॻु आज़रबाईजान वापसि उमाणण जो हुकुम ॿुधणी दौरान फैसले जी चयो त नारी जी वापसी ते ख़र्च ईंदड़ $1,000 ईडी फाउंडेशन अदा कंदो। जस्टिस मोहसिन अख़्तर कियानी चयो आहे त नारी जी वापसी रियासत जो कमु हो जेको ईडी फाउंडेशन करे रही आहे। जेतिरा बि माण्हू नारी जी स्मगलिंग में मुलविस आहिनि उन्हनि सभिनी ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वञे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भलीकार, मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइंस सां ॾिठियूं बुलेटिन जी शुरूआति कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।